भाई, पिछले 7 साल से हम नंगा पांव नहीं चले हैं और मेरे पैर के तलवों में जो है ये दर्द होना चालू हो गया। तो हम सोचे कि अब जो है थोड़ा नंगा पांव जो है ना इस चला जाए और थोड़ा दौड़ा जाए, प्रैक्टिस किया जाए। और ये पैर खेतों में काम करने वाले थे और यहाँ आके इतने ये कोमल हो गए कि बाप रे बाप, मतलब पाँव नहीं रखा जाता है, इतना दर्द होता है पाँव में, ये देखो। और इन रोड़ों पे चलने का जो फ़ायदा है, एक अलग ही जो है ना या महसूस हो रहा है पैरों में, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब नंगा पाँव चलना भी जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। घास पे चलो, थोड़े रोड़े पे चलो, समझे? तो सुबह सुबह चलना ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो रात का ओस गिरा होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये रोड़ों पे चलना जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, ये पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और इधर हम अभी रोज़ प्रैक्टिस करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, दौड़ने आते हैं। और बहुत दिनों से पसीना नहीं बहाया है पार्क में दौड़ते हुए, तो भाई जो है अब है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था। तो अब जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नंगा पांव दौड़ने का, चलने का अभ्यास कर रहे हैं। चल ही नहीं पाते हैं बहुत दिनों से, और इसका जो खुशी है ना भाई, क्या बताएं, अलग ही महसूस हो रहा है चलने का। ये ज़्यादातर जूते और चप्पल पहनने के कारण जो है ऑल टाइम जो हम लोग पैक रहते हैं, ये देखो इन पत्थरों पे जो है रोड़ों पे चलने का मज़ा ही अलग है। तो आज पहली बार हम करीब बहुत दिनों के बाद ये आज चलना चालू किए भाई, इसका मज़ा ही अलग है। ये देखो पैर पूरा लाल हो गया। ये देखो पूरा पैर मेरा लाल हो गया एकदम, क्योंकि हम चले ही नहीं है पिछले 7 सालों से नंगा पांव। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, इधर दौड़ने का, टहलने का, बुलने का अलग ही मज़ा है। किसी भी टाइम आओ, सुबह आओ, शाम आओ, दोपहर में आओ, अभी दोपहर हो रहा है, एक अलग ही प्रकृति का जो है मज़ा लेने को मिलता है। तो चलो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।